सो हे व्हाट इज़ अप माय ब्यूटीफुल फैमिली, ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खेल रहे थे BGMI बैटमैन मोबाइल इंडिया, और इसमें जो नया मोड आया है बहुत ही गलत है, मिशन इग्निशन मोड। तो देखो कि कैसे गलत सीन होते हैं। तो इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे मैं कि मुझे मेन पांच चीज़ें करनी है। पहला टेस्ला फैक्ट्री उतरना है, फिर एयर कन्वेयर ट्राई करना है, उसके बाद जो नया व्हीकल आया है कुछ G38 या कुछ वो फ्लाइंग बाइक, उसे भी ट्राई करना है, और उसके बाद ASM अबाकन गन को यूज़ करना है, फिर हाइपर लाइन यानी ट्रेन पर बैठना है। कुछ पांच मेन पॉइंट थी, और मेनली टेस्ला के जो ट्रक है उस पर भी देखना है, तो सभी को करेंगे। फिलहाल गीगा फैक्ट्री में उतरे तो नीचे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो मुझे लगता था कि यही कुछ गीगा फैक्ट्री होगा। फिर अभी देखो गलत सीन क्या होता है। जब मैं उतरता हूँ तो मुझे कहा था कि सारे बंदे उतर गए हैं और सारा लूट हवा में है, तो फिर मुझे पता चला कि ये कुछ मेरा ग्लिच है और लैग हो रहा है। ओके, मेरे सामने की भी बंदा था, लेकिन मैं भाग कर उस साइड में आ गया और वेट करता जब दिखाई दे, और तभी उसे मुझे एक गीगा फैक्ट्री लो हो गया, और मैं तभी एक गन लेकर ऊपर की तौर जा रहा था। उतने में मुझे बहुत सारे फुटस्टेप दिख रहे थे, और मेरे आँखों के सामने ही दो लोगों की पेटी हो चुकी थी क्योंकि मैंने आने की देर की। फिर यहाँ पर कुछ राइट शील्ड करके नहीं आया है, उसे भी उजा लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बंदे को देखा, उसे मुझे स्प्रे दिया, तो स्प्रे नाकाम कर देने के बाद ओके मुझे और एक बंदा मार रहा था, और उसे मारने के लिए मैंने 1.5 IQ दिमाग लगाया और मैंने उठा ली मोलोटोव कॉकटेल। और पहले इसे फिनिश कर लेते हैं, ओके नहीं हुआ स्प्रे के कारण। ओके, तो मैंने मोलोटोव कॉकटेल उठाई और ढेर उसके अंदर डाल दी, और बन गई एक बंदे की पेटी। तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनेगी गाइस। तो यहाँ पर बन चुकी है एक बेट की बेटी, और दो बंदे बाकी हैं, और इस बंदे को तो मैंने धार धार मारा था, और एक बार मारा था फिर भी बच जाएगा। तो इस बंदे को तीन बार मैंने उसी का स्प्रे दिया, लेकिन स्प्रे सस्ता होने के कारण वो बच गया। तो यहाँ पर गीगा फैक्ट्री का पहला वाली बार की देता हूँ। इस टेस्ला बनाने के लिए टोटल 3 लेवर को खींचना पड़ेगा, उसके बाद ये टेस्ला बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लीवर तो खींच लिया है, और अभी बाकी 2 लीवर को खींचना पड़ेगा, पर उससे पहले उस एक बंदे को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना तो हमें ख़त्म कर देगा वो। तो यहाँ पर जब मैं लूट ही रहा होता हूँ तो और एक बंदा आ जाता है, और उसको मारने के लिए मेरा उजी लेकर मार रहा था, फिर उसी कारण स्प्रे सस्ता होने के कारण वो बच गया, लेकिन उसे बहुत डैमेज मिला। और यहाँ पर और उसके बाद जो हुआ वो गलत सीन हुआ भाई। जो ये गीगा फैक्ट्री है एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया, और मैं सोलो मैच खेल रहा था इसलिए कुछ दिक्कत हो चुकी क्योंकि ये नॉक नहीं, इसमें डायरेक्ट पेटी बन जाती। तो यहाँ पर मैं कुछ लूट वूट उतार रहा था, उतने में और एक फुस्ट पाई, और यहाँ पर एक बंदा हीलिंग कर रहा था तो मैंने उसे डैमेज दी। ओके, डैमेज देने के बाद वो पीछे हट गया, तो मैंने लगाया AIQ और खींचा नेड और डाला नेड। तो इस बात के देखो गाइस, मैंने नेड उसके ढेर सामने लगाया लेकिन, और मैंने 2 बस्ट कर दिया M16A4 का, और वो मर गया। और ये बात मुझे हैरानी की लगी क्योंकि नेड उसके सामने या पीछे डी पटा है, लेकिन उसे डैमेज भी नहीं हुआ, तो अगर मेरे आसपास पड़ेगा तो मैं नॉक हो जाऊंगा, तो ये कुछ बुरी लगी मुझे। और उसके बाद लूट रहा हूं, उतने में ही मुझे ASM अबाकन AR दिखाई देते हैं जो 5.56 यूज़ करते हैं। तो इतने में ही हमारा 2 मिशन कम्प्लीट हो गया, एक गीगा फैक्ट्री जाने का और उसके बाद ASM अबाकन यूज़ करने का, और इसके बाद भी बहुत सारे 4 रिमेनिंग है। उतने में मुझे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देती है, तो देखा तो एक बंदा आ चुका था, इसलिए मैं फ्लैंक करके जाना ही वाला था, उतने में उसे डप्पा कर दिया और कहाँ से बाहर आ गया पता नहीं, और एकदम ये बंदा था या बॉट था कुछ पता नहीं चल रहा है, नाम से मुझे लगता है कि ये बंदा ही था, और उसका हरकत भी बंदे की तरह ही थी। तो यहाँ पर उसने मुझे 6x स्कोप दी, और उसके बाद मैं चला इस टेस्ला को चालू करने के लिए। तो मैंने दोस्त से पूछा था कॉल में, और उसने बताया कि इसमें और 2 लीवर है, एक यही कुछ रूम में अंदर है, तो मुझे दिखा नहीं। तो यहाँ पर मैं सारा जगह ढूंढ रहा था, क्या ये लीवर है, कभी ये लीवर तो मुझे मिल नहीं। तो यहाँ से फाइनली ऊपर की तरफ देखा, तो यहाँ पर देखो कि फाइनली 1 लीवर मिल चुका था हमें, और उसे भी डीट दबा देते हैं, और उसके बाद और 1 लीवर है, तभी तो टेस्ला फैक्ट्री बन के आएगी और इस वीडियो कम्प्लीट होगी। तो यहाँ पर 2 तो हो गए, तो तीसरा ढूंढना था। उसने कहा कि यही कहाँ पर रूम में होगी, तो क्या करना था ढूंढे। तो यहाँ पर आए, ओके मैं वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ, तो पीछे आपने नोटिस किया होगा कि मुझे दिखाई दे रही थी लेकिन
जो पहले बार खेल रहा था मैं, मुझे पता नहीं चला तो मैं आगे भटक गया, तो लेकिन कुछ बात नहीं, फिर से हम उधर जाएंगे। ओके, अभी एक्चुअली मुझे दिखाई दी थी गेम के अंदर, तो यहाँ पर मैंने तीसरा वाला बटन दबाया और यहाँ पर टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो पहले ये कुछ पार्ट्स लगाते हैं, फिर डोर लगाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसके बाद एक मशीन आता है क्रेन की तरह, उसे उठाते हैं, उसे हमारे टायर के ऊपर या व्हील के बेस के ऊपर डालते हैं, उसके बाद ये पेंटिंग रूम में जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं भी पेंटिंग रूम में जाऊँ, तो लेकिन मैं सोलो खेल रहा था और अगर अटक गया तो कल्याण होने वाला था, इसीलिए मैं नहीं गया। और उसके बाद यहाँ पर से नई नई वाली टेस्ला निकल के आती है ब्लू कलर की, और पीछे से कुछ ड्रॉप की तरह है, और जब मैं देख रहा था तो देखो गाइस M24 6X मेडिकिट Mini-14 M4 सभी आ रहा था, स्नाइपर सब सब कुछ। तो मुझे लगता है कि जब भी आप टेस्ला बनाओगे तो M24 6X ज़रूर ही आएगा। और फिर मैं टेस्ला के ऊपर बैठा और चालू करने लगा और देखने लगा कि कितना अच्छा है टेस्ला, और कुछ भी साउंड नहीं आएगा गाइस। मुझे लगता है कि एनिमीज़ को भी साउंड नहीं आएगा उतना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और मैं देख रहा होता हूँ कि टेस्ला ऑटो पायलट कैसे चालू करे, फिर मुझे पता चला कि रोड के ऊपर जाने के से उधर ओपन ऑटो पायलट आता है, और जब भी क्लिक करते हो मैप ओपन जाता है, मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे पता चला कि मैप ओपन करने के बाद मार्क करना पड़ता है, फिर ऑटो पायलट चालू हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताया कि किन किन लोगों को टेस्ला इंडिया में आने का इंतज़ार है, और आने के बाद कौन कौन उसे लेने वाला है या लेने का इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर मैं गैचिन दबा के उसके बाद चेन सीट करता हूँ, फिर मैं हीलिंग कर रहा होता हूँ, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 6X था उसे भी फेंक दिया, अभी तो 6X का भाव ही नहीं है गाइस। फिर उसके बाद मैं जा रहा था एक फ्लाइंग बाइक को ढूंढने के, जो हमारा तीसरा मिशन होने वाला है, और उसे ढूंढने के लिए इतना मेहनत की, इतनी मेहनत की जो किसी ने सोची नहीं होगी। तो यहाँ पर जब मैं जा रहा था, और एक गलत सीन होने वाला है, तो यहाँ पर बीच रास्ते में कोई ने एक जीप खड़ी कर दी, और मुझे डर लगा कि कौन कैंपिंग कर रहा है। फिर मैंने देखा कि क्या है टेस्ला क्या करेगा ऑटो पायलट में, और जब भी मैंने देखी हैरान हो जाए। वो जीप थोड़ी पीछे गई और ये बिना चच किए ये टेस्ला निकल किया गया। तो ये कुछ एडवांटेजेस है टेस्ला की, एक्सीडेंट फ्री कर देता है, और अगर ये बाइक और ये कार हम सेलमॉन बाइक के देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। फिर यहाँ पर मैं एयर कन्वेयर दिखा दिया, तो एयर कन्वेयर में लेके गया। तो जाने के बाद यहाँ पर मैंने एंटर दबा दी, एंटर दबाने के बाद मैंने एंगल सेट की सब कुछ किया, लेकिन फायर बटन करके ही वक्त कुछ गलत सीन हो गया। ऑटोमेटिकली फायर किया मैंने, लेकिन एकदम से मैं पीछे उठ गया, आप देख पा रहे हो, एकदम से कुछ गाड़ी पलट गई, सब कुछ हो गया। तो मुझे डर लगा कि कुछ गलत किया मैंने, इसीलिए मैं उधर से हट गया। तो यहाँ पर हमारा 4 कंप्लीट हो गया था, अबाकन का, गीगा फैक्ट्री का, टेस्ला बनाने का, ड्राइव करने का, फिर एक कन्वेयर का। अभी हाइपर ट्रेन में जाना है, और यहाँ पर मैंने नदी को देखा नहीं, ओके, और इस ट्री ने मुझे बता दिया, अगर ट्री ना होती तो गाड़ी सीधा पानी में जाती। तो अभी टेस्ला ट्रक को देखना था, फिर उसके बाद हाइपर लाइन में जाना था, तो क्या करता। और मैं गाड़ी को मेनली ढूंढ रहा था, तो इतना ढूंढने के बाद मिली भी नहीं। तो मैंने एटलीस्ट 10-15 मिनट्स गाड़ी भगाई भगा पाई, उधर नहीं मिली। फिर जॉर्जपुर के साथ जाने वक्त ही मैंने देखा कि इतना अच्छा चेंज हो चुका है, फिर देखा कि क्या क्या चेंज हुआ है, कंटेनर वगैरह है या कि नहीं, और देखा कि कंटेनर वही जगह में है लेकिन उसका कलर सब कुछ बदल गया है। और यहाँ जो गलत सीन होने वाला है भाई लोग, तो वो तो गदर सीन है। यहाँ पर मुझे एक हैकर मिलता है, हैकर है या नेट प्रॉब्लम मुझे कुछ पता नहीं, मैंने उसे इतनी M24 की गोली मारी फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो मुझे स्प्रे देने के लिए शुरू करता है, तो मैं पत्थर के पीछे रुकता हूँ और कुछ कवर लेता हूँ, और देख रहा होता हूँ कि कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, इसीलिए मैंने स्कोप ओपन किया M24 का, और स्कोप ओपन करते ही पहले मैंने एक शॉट दिया, ये मिस हो गया लगता है। फिर उसके बाद दो शॉट दिया, वो भी मिस हो गया, लेकिन ये शॉट मिस नहीं हुआ गाइस, ये हेड के ऊपर गया लेकिन कुछ भी नहीं है उसे, और एक भी गया कुछ भी नहीं है उसे, और तीसरा मारने के लिए गया एकदम से टेलीपोर्ट हो गया वो। तो तभी मुझे लगा कि हैकर है या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मैं उसके पास नहीं गया। फिर गाड़ी लेके जाने वाला था, उतने में ही देखो गाइस उसने मुझे इतना स्प्रे दिया कि मुझे लगा कि गाड़ी फट जाएगी और वो आराम से एडवांटेज लेके जाएगा। तो मैंने गाड़ी को बाहर के ऊपर भगा दी, क्योंकि हैकर से पंगा नहीं लेते। और यहाँ पर तो व्यू नहीं आ रहा था, सो टावर का एंगल चेंज किया और ऊपर जा रहा था, और जाते जाते बच गए मैं, अगर रुक जाता तो बच नहीं पाता। और पीछे कोई बॉट का
साउंड डाल रहा है, और अगर मैं बॉट की पेटी बनाने के जाओ तो मेरी पेटी बन चुकी थी अभी तक खैर गुजारा। तो फिर मैं गाड़ी लेकर ढूंढ ही रहता हूँ उसी G38 या G32 ग्रेविटी वाली फ्लाइंग बाइक को ढूंढने के लिए। तो जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप दिखाई देती है, और मैं इस ड्रॉप का पीछा करते हुए जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठता हूँ, और इसके बाद जो मैं देखने वाला हूँ या आप देखने वाले हैं वो गदर सीन है। और जब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो आगे देखकर कुछ गाड़ी दिखाई दी, और जहाँ पर जाने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, मुझे मिल चुकी थी फ्लाइंग बाइक। तो इसके बाद करना क्या था, सीधा मैंने गाड़ी पे बैठा फ्लाइंग बाइक पे और चलाने लगा, इधर उधर लेफ्ट राइट आगे पीछे सब कुछ करने लगा और कंट्रोल सीखने लगा। और उतने में मुझे एक ड्रॉप का याद आया, और ड्रॉप लेने के लिए मैं हो गया, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग आने वाले होंगे, कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैं AWM का तलाश करके आया था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, MK14 होती है, और MK14 तो मैं अभी नहीं उठाने वाला क्योंकि मेरे पास तो M24 था जिसने 5-6 बार धोखा दे चुकी है हैकर के टाइम में। तो यहाँ पर से मैं कुछ हीलिंग मेडकिट से उठाता हूँ, फिर गाड़ी में बैठता हूँ, उसके बाद आगे जा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगा कि जोन नगर के अंदर एंड होने वाला है, तो मुझे देख लगा कि बहुत सारे लोग उधर ही होंगे, तो मैं डायरेक्टली गाड़ी को क्वेरी वाले घर के पास में लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर और एक गलती होने वाला है कि मेरा लिफ्ट फ्लेक्स थोड़ा लेट था या कुछ पता नहीं। फिर इसके बाद कोई ने स्मोक डाला, तो स्मोक को देखने के लिए मैं बाहर गया, तो मुझे लगा कि इस साइड में कोई बंदा होगा, लेकिन फुटस्टेप वो घर से आ रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन था। फिर मुझे लगा कि बंदा उस पार के साइड में या उधर एक बंदा था, और जब तक मैंने स्कोप खोला और एक शॉट उसे दिया, लेकिन उसने मार दिया। तो आप शायद तो देख सकते हो, एक शॉट तो उसे पड़ा हेड के ऊपर M24 का, लेकिन वो तिलके नहीं दिया। और उसके बाद मैंने और एक गेम पे चालू की क्योंकि उसमें तो मेरा मृत्यु हो चुकी थी। और यहाँ पर एक किल के साथ दूसरे किल के लिए मैं उतर गया, और डैमेज देखो गाइस, इतना डैमेज मिला एक बॉट को मारने के लिए। अगर इसका एक भी बुलेट लग जाता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नॉक नहीं, पेटी बन जाती मेरी। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएगा इस। तो उसके बाद मैं गाड़ी लेकर जा रहा होता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो क्या कलेक्शन होता है। यहाँ पर आगे एक बंदा देखने को मिलता है, और सलमान भाई गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं, और सलमान भाई गाड़ी लेकर उसे कुचलने वाले हैं क्या, और कुचल देगा इस हीरो ऑफ रोन को गाड़ी से कुचल दी। और सलमान भाई गिरी करते हुए हमारे हो चुके हैं 3 किल। तो उसके बाद जब मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि और टेस्ला ट्रक मेरे फ्रेंड ने बताया कि फार्म के आसपास होगा, तो यहाँ पर गाड़ी बदल के जा रहा होता हूँ। उतने में ही मुझे दिखाई देती है टेस्ला ट्रक, तो उसका क्या कर रहे पीछा करता होता हूँ। उसके बाद मैंने गाड़ी को साइड में रखाया और फिर उसे शूट करने को लगा क्योंकि मुझे एमो की सख्त जरूरत थी। और शूट करने के बाद देखा कि एक बॉक्स गिरा, दो बॉक्स गिरा, फिर शूट किया तो उसे डैमेज ही नहीं हुआ। फिर मैं उसे बहुत डैमेज दे रहा होता हूँ लेकिन कुछ दे नहीं पाता क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में डैमेज नहीं लेते मुझे लगता था। फिर क्या करना था, इस बॉट्स को लूटा था। तो जब मैं उतर गया तो देखा कि यहाँ पर तो लटरा वेक्टर खड़ी है। फिर ये मुझे लगा कि उसके अंदर जो लास्ट में बॉक्स मिलेगा उसमें तो कुछ AWM वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर उतरने के बाद और एक बार देखा तो और एक बॉक्स में क्या रेड डॉट नहीं, और फिर एक्सटर्नल मैग M16A4 वो सब लटा रखन था। फिर भी और एक बॉक्स था, इसमें मुझे बहुत होप थी। और जब मैंने देखा तो यहाँ पर जो टी की 4X और Mini-14 मिली मुझे, और मैंने कुछ एमओ भी उठा ली क्योंकि एमओ की सख्त ज़रूरत थी मुझे। और उसके बाद मैंने सोचा कि उसे पीछा करे, तो यहाँ पर दो रास्ते, लेफ्ट और राइट। जो मैंने ये लगा कि लेफ्ट से गया होगा, लेकिन यह चीज़ तो अलग ही होती है। तो लेकिन वो राइट से गया था, मुझे लगा कि लेफ्ट से गया, तो देख रहा होता हूँ तो यहाँ पर कभी भी नहीं मिल जा, देखा यहाँ कहीं पर नहीं था। तो मुझे सोचा कि राइट जाकर देख लेते हैं। तो राइट जाते वक्त ही मुझे दिखाई दी टेस्ला, और मैं उसे फॉलो करने लगा। तो यहाँ पर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि 1.5 घंटे लगा के इसे गाड़ी से रोक देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा दी उसके सामने, फिर देखा कि ये गाड़ी को देख कर इमोट रोक देते हैं। तो और एक और मैं उसे AKM का जबरदस्त स्प्रे दे रहा था, और इसका भी स्प्रे दे रहा था, और स्प्रे ख़त्म होने गई और एक रिकॉइल हो गया और भी रोक गया, और एक बार मरा और एक बार मरा। और अगर और एक बार स्प्रे देता तो ये आराम से क्लैश हो गई थी। तो फिर भी चल रही थी, मुझे लगा कुछ पकड़ पड़ेगी, और एक बार यहाँ पर गाड़ी रुक गई।
तो उसके बाद क्या करना था, सारा लूट करना था कि क्या क्या लूट होने वाला है इसके अंदर। सो यहाँ पर देखेंगे तो थॉमसन मिला था मुझे, फिर उसके बाद AK मिला विथ एक्सटेंडेड मैग, बहुत सारे थे। उसके बाद मिनी शोजा 4X तो इसमें भरपूर मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखा तो वही एवेक्चर और रेड डॉट, और यहाँ पर देखा तो मुझे मिला M16A4 विद एक्सटेंडेड मैग। एक्सटेंडेड मैग और कंपैरेटर इसमें बहुत सारे थे, और लास्ट में मैंने सोचा इसमें तो अच्छी लूट होने वाली है, या M24 या कुछ गुरोजा की तरह। फिर देखा कि क्या कुछ नहीं मिला, तो हमें टेंग आया था। यहाँ पर कार नहीं मिला, वो भी कुछ कम नहीं है, ओके है, लेकिन जो लोगों ने हाइप बता के रखी थी चेस्टर ट्रक मैचर रूट में थे, तो मुझे लगा ग्रोजा या कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली हमें Level 3 की वेस्ट और हेलमेट मिलते हैं, और यहाँ पर मैं डेढ़ शानी लगा के उसे क्लाइम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर क्या करना था, गाड़ी लेकर मैं जा रहा था। और अगर आपको भी ऐसे टेस्ला ट्रक देखना है, बहुत ही रेयर है, तो यहाँ पर मार्क देख सकते हो, ये आपको फार्म के बगल में जो कच्चा रोड है डर्ट की, उसके साथ आसपास मिल जाएगी। तो यहाँ पर आकर जरूर ट्राई करना। फिर उसके बाद मैं और एक गेम चालू कर ही रहा होता हूँ, इसमें बहुत अच्छा लगा है। इसमें लास्ट में मैंने एक बंदे को ट्रोल किया था, लेकिन एंड में मैं ही ट्रोल हो गया। तो यहाँ पर जब भी गेम का स्टार्टिंग है, उसके 5 मिनट के अंदर ही मुझे ये गाड़ी मिल चुकी थी, जो थी वो ग्रेविटी वाली। तो ये ग्रेविटी वाली गाड़ी को ढूंढने के लिए पहले वाली गेम प्ले में मैंने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स गाड़ी लेकर भगाया है ढूंढने के लिए, लेकिन इसमें तो गाड़ी आराम से फटाक से मिल चुकी थी। तो यहाँ पर करना था क्या कि गाड़ी लेकर आराम से घूमेंगे, क्योंकि हमारा सारा मिशन कंप्लीट हो चुका था। हमने गाड़ी भी चला ली, अबाकन भी यूज़ कर लिया, टेस्ला गीगा फैक्ट्री भी गए, टेस्ला भी चलाई, टेस्ला भी बनाए, उसके बाद कन्वेयर भी यूज़ किया, उसके बाद हमने इस फ्लाइंग वाली बाइक को भी मारी, और उसके बाद मेन चीज़ टेस्ला ट्रक को भी हमने देखा और उसे लूट भी लिया। तो फिर मुझे माइंड में कह रहा था कि क्या है फ्लाइंग बाइक पानी में चलेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसे कूदा देता हूँ पानी के अंदर, और फॉर्चुनेटली वो चलेगा क्योंकि फ्लाइंग वाली बाइक है और चल रहा होता है। लेकिन उसका कंट्रोल यहाँ पर बहुत ही घटिया है, और स्पीड तो बात ही मत करो, एकदम से 20 हो जाते हैं, एकदम से 30 हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता टर्निंग के टाइम में। और हैंडलिंग तो बहुत ही घटिया है, टर्न भी नहीं लेता ठीक तरह से, तो ये कुछ बुरी बात लगी मुझे। तो उसके बाद जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर कहाँ से ऊपर चले, तो मैंने 1.5 IQ गेम प्ले लगाई, और IQ के तरफ से मैं उसे ऊपर से लेने के लिए ट्राई किया, और जा रहा था उतने में ही मैं इससे स्लिप होकर गिर गया। ओके, खुशी की बात यह है कि मैं सोलो खेल रहा था और मेरी पेटी नहीं बनी। इसमें क्या होता है, नॉक नहीं डायरेक्टली पेटी बन जाती है। उसके बाद मैं ऊपर जा रहा होता हूँ, फिर से गिर जाता हूँ, फिर उसके बाद तो गलत सीन हो चुकी थी, गाड़ी ऊपर था और मैं नीचे था, तो गाड़ी को मार के नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ऐसे भागता जा रहा था कि कहाँ से ऊपर चले, तो फाइनली मुझे एक रास्ता मिल चुका था ऊपर जाने के लिए, तो मैं उधर से बाहर निकल गया। और यहाँ पर मैं उस टेस्ला मेट्रो में जा रहा था, क्योंकि जो हमारा लास्ट टास्क होने वाला है मेट्रो में जाना, यानी हाइपर लाइन में जाना। तो यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखाई देता है, तो उसे मैं मार देता हूँ, और एक बंदे को भी दिखाई देता है, वो भी मार देता हूँ, और उसके बाद लूट शूट करने के बाद मैं उसे हाइपर लाइन की जगह में जा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा वेट करने के बाद मुझे एक हाइपर लाइन आते हुए दिखी, और उतने में ही मैं ऊपर गिर गया। तो फिर पता चला कि ये वाला हाइपर लाइन उस साइड जा रही थी, और इस साइड आने वाले हाइपर लाइन के लिए वेट करना पड़ेगा। उतने में एक गाड़ी चली, मैंने सोचा इसे ट्रोल करने वाला हूँ और देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं बॉट फायर देता था, तो उसके बाद वो मुझे पता था कि वो पीछे आने वाला है मुझे मारने के लिए, तो मैं उसे कवर में ले कर आता हूँ। फिर उसके बाद वो आगे की तरफ जाएगा, उसने अभी तक मुझे देखा नहीं था। फिर मैं इस तरफ आने वाला था, और इतने में हाइपर लाइन आ गया, तो मुझे इसी में मिशन कंप्लीट करना था, यानी कि लास्ट टास्क जो हमारा है हाइपर लाइन में जाने का, उसे कंप्लीट करना था ताकि वीडियो को नहीं करूँ। तो इसके लिए मैं उसे थोड़ी टैंक करने के लिए उसे थोड़ी डैमेज देता हूँ, फिर मैं गाड़ी की तरफ जाता हूँ ताकि वो मुझे गाड़ी के फॉलो करके आए या ट्रेन के अंदर आके फाइट हो। तो मैं ट्रोल करने वाला था, उतने में ही उसने मेरी बात को ध्यान में ली और वो ट्रोल होने के लिए आने लगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि आया है वो नहीं, लेकिन पता चला कि वो मेरा गाड़ी से पीछा कर रहा था, जो बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पर गाड़ी से पीछा कर रहा था वो मेरा, तो लेकिन लास्ट में एक गलत सीन होने वाला है, कुछ लैग के कारण मैं आउट हो गया। तो यहाँ पर पहला शीशा आ चुका था, वो मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो अलग साइड से आ रहा है, तो मैं बाहर की तरफ आ गया, और जब वो मेरे तरफ आ रहा था मैं रपक से अंदर गया और ट्रेन का डोर क्लोज हो गया, फिर से वो ट्रोल हो गया और वो मुझे पीछा करके आता था। तो मैं इमोट ट्राई कर रहा था, लेकिन इमोट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था,
कोई बात नहीं, और इधर मैं जा रहा था और अगला स्टेशन कुछ ही दूरी में था, अराउंड 10 सेकेंड्स की दूरी में था। तो जब मैं अगला स्टेशन पे जा रहा था तो यहाँ पर तो गलत सीन हो रहे थे। जब ट्रेन रुका और मैं उसे मारने के लिए उतर गया, उतने में ही कुछ धोखा हुआ मेरे पास। वो रिएक्शन टाइम कुछ कम हुआ, उतर गया, लेकिन मेरे पास गन हाथ में नहीं आया, आप देख सकते हो दीख से। तो उसके कारण मेरी इस गेम में डेथ हो चुकी। और यहाँ पर स्टेशन आ रहा था, तो स्टेशन आने के बाद मैंने इस विंडो से जंप मारी और उतने में ही वो मुझे मारने लगा, क्योंकि मेरा गन हाथ में नहीं आता कुछ ग्लिच की तरह। आप देख सकते हो उतरने के बाद गन कुछ 2-3 सेकंड के लिए गन हाथ में नहीं था मेरा। अगर हाथ में होता तो अभी तक वो मर जाता था। और मैंने गुस्से मरते मरते 2-3 गोली मार दी जब गन हाथ में आया AKM की। तो इतना ही था गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए गाइस, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इतना ही गाइस, थैंक यू, गुड बाय।